तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग जाने वाले हैं कहीं घूमने, और ये बात भी आपको थंबनेल से पता चली गई होगी। तो जल्दी जल्दी पहले तो कपड़े चेंज करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। ओके, मिलते हैं रास्ते। तो जी हाँ, आई होप मज़ा तो खैर बहुत आने वाला है। अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के पास आ चुके हैं और इधर से निकलेंगे। और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे आप लोगों को पता ही है कितना बढ़िया, कितना बड़ा बना है। अब ये गांव में एंटर करते हैं तो ये एक तरफ नदी, एक तरफ रोड, फिर एक तरफ कहते वो खेत होता है। काफ़ी बढ़िया व्यू होते हैं, तो चलिए चलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, काफ़ी दूर आ चुके हैं और बस पहुंचने ही वाले हैं सिलाघाट। आपको दिख रहा है ये नहर है, और नहर पे तो आ गए हैं। अब थोड़ी दूर और रह गया है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से 2-3 किलोमीटर। तो चलिए चलते हैं बहुत जल्दी, मुझे तो इंतज़ार अब मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो जल्दी जल्दी चलते हैं यहाँ से, थोड़ी बहुत धूप हो रही है लेकिन वहाँ पर मज़ा आएगा। तो चलिए वो चलते हैं और सीधे आपसे वहाँ पर मिलते हैं। हाँ दोस्तों, जा रहे थे, रास्ते में ये दिख गया पुल एक, और जिस तरीके से दिख रहा है कितनी तेज लहर है यार। और यहाँ से 2-3 किलोमीटर बचा हुआ है, पक रहे जाने में, जैसे कब पहुँचे कब पहुँचे। इतने बढ़िया बढ़िया व्यू मिल रहा है यार, रुकने का बार बार मन कर रहा है, चलते हैं अब यार। तो जी हाँ, अब ज़्यादा बातें ना करते हुए जल्दी से आपको पहुंचाते हैं, क्योंकि हमें भी जाने का बहुत जल्दी से मन कर रहा है। और देख सकते हैं आप, सामने आ चुका है सिलाघाट। तो पहले तो गाड़ी पार्क करते हैं, फिर यहाँ के बारे में आपको बताते हैं, दिखाते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं इस समय सिलाघाट। तो पहले तो भूख लगी है, समोसे खाते हैं, और ये व्यू देखिए। तो पहले खाते हैं फिर आपको व्यूज दिखाते हैं यहाँ कि कितने बढ़िया बढ़िया व्यू आ रहे हैं। तो जी हाँ, सबसे पहले तो आप आएंगे तो आपको भोले बाबा के दर्शन करने को मिलेंगे। तो जय भोले बाबा जी, और ये आपको सामने सिलाघाट दिखेगा। चलिए चलते हैं। अगर सिलाघाट पे आएंगे तो आपको शंकर जी के, भोले बाबा के दर्शन करने को मिलेंगे सबसे पहले तो, और फिर उसके बाद आप यहाँ के जो मज़े हैं वो कर सकते हैं मज़े, क्योंकि अभी हम लोग मज़े करते हैं यहाँ पे, फिर आपको दिखाते हैं कि अंदर चलते हैं, अंदर चलें। चलिए चलते हैं, अंदर की व्यू दिखाते हैं आप। इस तरीके के तो पत्थर हैं सबसे ज़्यादा पूरे में, देखिए इस तरीके की चट्टान है, ये तो मेरे हाइट से भी ज़्यादा है भाई, इतने बड़े बड़े पत्थर। और वो दूर तक जाना पड़ेगा वहाँ तक। चलिए चलते हैं पहले तो पत्थर देखते देखते, और फिर उस दूर तक चलते हैं फिर पानी के पास। पानी आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी तेज़ बहाव से चल रहा है, और इसी बहाव से वो चलता रहेगा। काफ़ी साफ पानी है, ऐसी बात नहीं है। लोग बोलते हैं पानी नदियों के ख़राब होते हैं, ऐसी बात नहीं है, साफ पानी आपको दिख ही रहा है। पत्थरों में है तो इस वजह ठंडा और है। तो चलिए इन्जॉयमेंट करते हैं यहाँ पर दोस्तों, और आई होप अगर आपका मन करे तो आना यार, बहुत अच्छे व्यू हैं आपको दिख ही रहे हैं, और आप आएँगे तो अपने आँखों से देखेंगे तो और मज़ा आएगा। तो चलिए मस्ती करते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, थोड़ा बहुत इन्जॉयमेंट कर ही लिया है। अब आप लोगों को बता दें कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो गर्मियों में आएँ, हम लोग को सर्दी में आए कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आए तो आप लोग गर्मी में आना, पानी भी सही मिलेगा, साफ मिलेगा, और गर्मियों में नहाने का भी मज़ा आप लोग उठा पाएंगे।
तो इस वजह से आइएगा, जब भी आइए गर्मी में आइएगा। मौसम यहाँ का बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया व्यूज़ हैं, आप लोगों ने देखी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए दोस्तों। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और बढ़िया चीज़ दिखाएंगे आपको, बढ़िया जगह दिखाएंगे। आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपको कौन सी जगह की वीडियो चाहिए। ठीक है, ओके, लव यू आइस।